Hello friends, today we will study about sociometric method, yani ki samajmiti vidhi. Sociometric method hai, isse pehle hum study karenge sociometry, the meaning of sociometry, yani samajmiti ka arth. Jo sociometry hai, ye do shabdon se bana hai. Socio, that is a Latin word which means social or relationship. और फ्रेंड यानी संबंध. मेट्रम इट इज ऑल्सो लेटिन वर्ड विच मीन्स मेजरमेंट यानी कि माप. इसका मतलब ये है, अगर इसका कंबाइन मीनिंग हम देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, इसे हम सोशियोमेट्री कहते हैं. जेल मोरिनो 1951 वो बताते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ इंटरपर्सनल कनेक्शन बिटवीन टू पीपल इज सोशियोमेट्री, यानी दो व्यक्तियों के बीच अंतर्व्यक्तिक संपर्क का मापन सोशियोमेट्री कहलाता है. जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये डायग्राम मैंने नेट से लिया है, कि किस प्रकार से लोगों के बीच का जो आपस की संबंध होता है, किस प्रकार से वो दोनों आपस में लोग रिलेशंस बनाते हैं, उन रिलेशंस का जो मापन की प्रक्रिया है उसे सोशियोमेट्री कहा जाता है. सोशियोमेट्री की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो एक समूह की संरचना का अध्ययन करने और उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के पारस्परिक सामाजिक संबंधों की स्थिति को मापने की तकनीक को समाजमिति के रूप में जाना जाता है. ये जो बात मैंने पहले बताई ये वही है. यह समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंधों का एक माप है. बीच अब इसको हम देखा हमने किस तरह से समाजमिति की परिभाषा. नाउ लेट अस स्टडी द डेफिनेशन ऑफ सोशियोमेट्री इन इंग्लिश. द टेक्निक ऑफ स्टडीइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रुप एंड मेजरिंग द स्टेटस ऑफ ईच इंडिविजुअल इज नोन एज सोशियोमेट्री. इट इज द मेजरमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. नाउ लेट अस सी कि किस प्रकार से सोशियोमेट्री का जो विकास हुआ है और उसके अंदर मुख्य आधार उसका क्या है. सामाजिक शोध की यह तकनीक स्वीकार करती है, मानती है कि मनुष्य चुनाव करते हैं या विकल्प खोजते हैं. अब अगर हम इसको सामान्य भाषा में देखते हैं तो जो समाजमिति है, सोशियोमेट्री है, उसका एक मुख्य आधार क्या है, दैट इज च्वाइस, यानी विकल्प. ये विकल्प, ये जो आपकी च्वाइस है व्यक्ति की, सकारात्मक हो सकती हैं और नकारात्मक हो सकती हैं. यहाँ पर विकल्प या च्वाइस का मतलब केवल इतना है, हमारे संबंधों में च्वाइस, हमारे रिलेशनशिप में च्वाइस. ये विकल्प न केवल हमारे सामाजिक संबंधों को परिभाषित करते हैं बल्कि इन संबंधों की डिग्री को भी परिभाषित करते हैं. डिग्री का मतलब कितनी गहराई से संबंध है. ठीक, विकल्प किस प्रकार के हो सकते हैं. जैसे आप देखिए, विकल्प हम कक्षा में किसके साथ बैठते हैं, ये भी एक च्वाइस है. हम किसके साथ भोजन करना पसंद करते हैं या भोजन कर सकते हैं, किस व्यक्ति के साथ बैठकर हम भोजन करते हैं, ये भी एक च्वाइस है. हम किसके साथ सब कुछ साझा करना पसंद करते हैं, हमारी व्यक्तिगत बातें, वेयर पर्सनल जो हमारे डिस्कशंस होते हैं, जो हमारे कुछ आइडियाज होते हैं, वो हम किसके साथ शेयर कर सकते हैं, ये आपके संबंधों पर निर्भर करता है. और इन सभी के अध्ययन को हम सोशियोमेट्री यानी समाजमिति कहते हैं. अब इसको जरा इंग्लिश में देख लेते हैं. दिस टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च, आपको मैं बता दूं कि सोशियोमेट्री इज द टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च, जिसको सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में और बहुत सारे विषयों में इसको इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही कारगर साबित हुई है. तो इसलिए इसको द टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च भी कहा जाता है. द टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च रिकॉग्नाइज दैट ह्यूमन बींग्स मेक च्वाइसिस, दी च्वाइसिस विच कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. या पॉजिटिव का मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एंड नेगेटिव का मतलब है रिपल्सन्स और रिजेक्शन ऑफ रिलेशनशिप. दी च्वाइसिस नॉट ओनली डिफाइंस अवर सोशल रिलेशनशिप बट ऑल्सो डिग्री ऑफ दीज रिलेशनशिप. हाउ दी च्वाइसिस कैन बी, वट आर अवर च्वाइसिस कैन बी, सी वी सिट विद इन क्लास, वी चूज टू हूम विद वी वुड लाइक टू सिट इन द क्लास. We dine with, here also we choose to whom we can dine with
एंड वी लव टू शेयर एवरीथिंग विद, दिस इज ऑल्सो चॉइस बेस्ड इशू। दिस मीन्स जो समाज मिति है, सोशियोमेट्री है, उसका जो आधार है वो है विकल्प यानी चॉइस। अब इस सोशियोमेट्रिक मेथड को हम पढ़ते हैं, समाज मिति विधि है क्या चीज। समाज मिति की मूल आवश्यकता एक समाज मिति परीक्षण होता है, यानी सोशियोमेट्री जो मेथड है उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम सोशियोमेट्री टेस्ट कहते हैं। इस परीक्षण की कुछ आवश्यकताएं भी होती हैं जो नीचे दी गई हैं, यानी कि जब हम कोई परीक्षण करते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं जो कि हमने नीचे मेंशन की हैं। सबसे पहले उत्तरदाता या प्रतिभागी यानी इसको हम सब्जेक्ट करते हैं को समूह की सीमाओं के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, यानी कि जिस समूह के बारे में हम सोशियोमेट्रिक स्टडी कर रहे हैं, सोशल रिसर्च कर रहे हैं, उस समूह की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या उसकी कमियां हैं, यूँ मान लो आप, वो हमें उस उत्तरदाता को, प्रतिभागी को, उस सब्जेक्ट को बतानी चाहिए जिसकी हमें स्टडी करनी है। दूसरा, प्रतिभागी के सामने यानी रिस्पोंडेंट के सामने असीमित विकल्प होने चाहिए, यानी कि वो किसी उस समूह में से किसी भी व्यक्ति को चूज कर सकता है, अल्टरनेटिव्स होने चाहिए उसके पास, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जो थर्ड उसकी रिक्वायरमेंट है सामाजिक टेस्ट की, प्रतिभागी की किसी व्यक्ति के प्रति स्वीकृति या अस्वीकृति किसी विशिष्ट मापदंड पर ही होनी चाहिए। जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया हम देते हैं उसके आधार पर ही वो व्यक्ति समाज में लोगों को सेलेक्ट करेगा, स्वीकार करेगा, रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। कोई और क्राइटेरिया ना हो, कोई और दूसरा क्राइटेरिया ना हो, सिर्फ वही क्राइटेरिया हो केवल जो कि इसको दिया गया होता है। आगे देखते हैं, चौथी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, समूह को परीक्षण के परिणामों के आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए, यानी जिस समूह की हम स्टडी करते हैं उसके बाद जो परिणाम हमारे पास आते हैं सोशियोमेट्रिक मेथड के माध्यम से, उसके हिसाब से फिर से उसका रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए ग्रुप का, ताकि अच्छे परिणाम आ सकें। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभागी द्वारा लोगों की स्वीकृति या अस्वीकृति उसकी व्यक्तिगत राय के आधार पर ही होनी चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति को कोई सजेस्ट नहीं करेगा, कोई उस पर प्रेशर नहीं डालेगा कि किसको आपको सेलेक्ट करना है और किसको सेलेक्ट नहीं करना है, ये प्योरली उसकी जो पर्सनल राय है यानी उसकी जो व्यक्तिगत सोच है उसके आधार पर होनी चाहिए। और आगे से ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ वो यह है कि उसकी व्यक्तिगत राय को पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट यानी गुप्त रूप रखा जाना चाहिए, यानी कि हमें किसी को उसको नहीं बताना है कि उसने किसको चुना और किसको नहीं चुना, किसको स्वीकार किया, इसको अस्वीकार किया। दिस शुड बी कैप्ट सीक्रेट स्ट्रिक्टली। एंड द लास्ट इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है समाजमितिक मानदंड, यानी कि सोशियोमेट्रिक क्राइटेरिया में बताऊंगा वो क्या होता है। कोई प्रश्न या कोई कथन या कोई आइटम, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, प्रतिभागी द्वारा स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए, यानी कि जो हम समाजमितिक मानदंड देते हैं, सोशियोमेट्रिक क्राइटेरिया देते हैं, जो कि क्वेश्चन हो सकता है, एक कथन हो सकता है, उसको रिस्पोंडेंट द्वारा, सब्जेक्ट द्वारा लेटर एंड स्प्रिट में समझना चाहिए। अब इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स को। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सोशियोमेट्री इज ए सोशियोमेट्रिक टेस्ट। द टेस्ट ऑल्सो हैव फ्यू रिक्वायरमेंट्स। द फर्स्ट वन इज द रिस्पोंडेंट और सब्जेक्ट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द ग्रुप। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज द सब्जेक्ट शुड हैव अनलिमिटेड अल्टरनेटिव्स। दिस मीन्स he or she should not be restricted nor suggested. The third is the acceptance or rejection of a person by the subject or the respondent should be on a specific given criteria. That should not be beyond that criteria. The selection or rejection should not be beyond that criteria so that we can have a standardized acceptance or rejection. The next is the group should be recognized on the basis of reorganized on the basis of the outcomes of the test. This means whatever the results of the test, on the basis of that the groups should be reformed. This means reorganized. And the fifth is the acceptance or rejection of social of people by the subject must be on his or her personal opinion and should not be revealed to anyone. This means that he should not be suggested for the acceptance or rejection of the individuals and his ideas, his personal suggestions on the basis of he has made his acceptance or rejection should be kept strictly secret. That is the basic ethical requirement. The last requirement of this sociometric test is the sociometric criteria, which can be a question or statement, must be clearly understood by the subject in letter and spirit. Dear friends, it was our sociometric method ka half part tha.
सोशियोमेट्री की डेफिनेशन किस तरह वो डेवलप हुई, किसने उसको सोशियोमेट्री को दिया और क्या क्या उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द सोशियोमेट्री मेथड। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।